नाना नानी पार्क में नाना नानी को लेकर उधर बैठे रहते थे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये वो जगह है, इसलिए जगह का नाम नाना नानी पार्क पड़ गया। बस बस दिख गया गाइस। अभी देखो गाइस ऐसा बोला ड्राइवर लोग कैसा गाइस, मेरी आदत नहीं वैसे, मतलब ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में घूमने की, अपना कैसा प्राइवेट जेट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं आपको थोड़ा नजदीक से जूम करके दिखाता हूँ गाइस। देखो ये रोड है, यहाँ से ये रोड गया है, ये हमारी कार, और ये अंटिलिया, उसके पीछे है लोड़ा। मुकेश भाई लग रहा खड़े है। ये जूता घर का मेन जूता गाइस, दिखा तो आपको जूता कितना बड़ा है। गाइस देख सकते हैं आप, ये जूता इतना बड़ा, ये जूता अपने जूते से काफी बड़ा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक जगह मतलब बैठा नहीं, ऐसा थोड़ा लेटा हुआ था, और उधर पे मतलब ऐसा बताया था कि नहीं कपड़ा देखो बताया था, चद्दर ओढ़ के ऐसा पब्लिक लेटी थी। तो मतलब मैं भी बाजू में, मतलब थोड़ा दूर थे लोग मंदिर के सामने ऐसा, और मैं थोड़ा दूर था, नहीं क्या मैं मस्त भी कि लेटा, कोई पब्लिक नहीं है। सुबह आगे देख रहा हूँ, मतलब थोड़ा और उजाला हुआ देखा ऐसा आधा 15-20 मिनट बाद कि पब्लिक आगे रो रही आजू बाजू। बाद में पता चला सब डेड बॉडी है भैया। गाइस हम निकल गए मुंबई के लिए हमारे सवारी पे। ये कैसा थोड़ा गरीब ड्राइवर। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 7:30। अभी हम लोग सुबह 7:30 बजे निकल रहे, मुंबई के लिए रवाना हो रहे, और आज का ब्लॉगिंग इस टॉपिक रहेगा, हम जा रहे मुंबई, घूमेंगे और शूट करेंगे और आपको दिखाते आगे। चलो भाई, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ऐसा लगना चाहिए ना भैया CNG फुल करा रहे हैं। इतना पैसा लग रहा गाइस हमको। कुछ भी इधर बाय का ऑप्शन भी आता है। हाँ हो गया। माँ कसम ऐसा भी सीन रहता है क्या? तो गाइस 640 रुपये लग चुका है। बैठो गाइस। भाईजान को आगे बैठा दे, ड्राइवर के साथ भाई को बैठने दे, हम पीछे बैठ के शूट करेंगे। भाई जा रहा भाई, कुछ खाया है? बैठ। ब्लॉगर 2 है। तुम दे वो मारो बिंदास बैठा साहब, जान रहा कैमरे के लिए बैठा। मेरे को हटा के नहीं भाई, ऐसा कुछ शॉट नहीं है, वो फेमस नहीं बनेगा, पहले से फेमस हो समझ लेगा। गाइस हम निकल गए मुंबई के लिए हमारे सवारी पे। ये कैसा थोड़ा गरीब ड्राइवर। कैसा गाइस, मेरी आदत नहीं वैसे, मतलब ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में घूमने की, अपना कैसा प्राइवेट जेट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। प्राइवेट जेट है, कैसा खड़े रहता है। अभी कैसा थोड़ा सर्विसिंग का प्रॉब्लम आ गया उसमें, थोड़ा जान नहीं ले, और वो सो रो रहा था उठाया उठा नहीं, तो फिर मजबूरी में इसको लेके जा रहा है। आज गाड़ी नहीं चलाएगा संडे, नहीं चलाएगा। देखो गाइस ऐसा ओला ड्राइवर लोग की जिंदगी। अबे टेंशन ही आ रहा भाई, अबे तू भाई ड्राइवर है, दर्द का ड्राइवर है भाई, ऑपरेटर है भाई, कैसे मालूम चलाऊंगा फिर जिंदगी के लिए जवाबदारी नहीं है। वीडियो बंद कर देता मत ना भैया, सब वीडियो में आ रहा है, हो गया। तो गाइस ये ओला ड्राइवर को ऐसा मारो मत, कुछ अब खा रहे भैया उधर तो सीन इधर मारे थे भाई, उछल के एक लड़की मार रही थी ना भाई, क्या सीन था। हाँ वो तो कभी कभी वो देखता हूँ वीडियो तो कैसा अरमान भाई की याद आ जाती है। मेरे भाई के साथ में ऐसा नहीं आता हो जाए नहीं मतलब मैं समझ में नहीं आता भाई ऐसा करती क्यों है पब्लिक, तो क्या मार रही थी भाई, हाथ मार के बताओ ना। पाइप में गए अंदर और तीनों जन बजा के पता नहीं कैसे बैठ गए उसमें। में जब बाय एडमिट था ना, किस्सा बता रहा हूँ गाइस आप लोग किस्सा हो गया था। भाई एडमिट था ना तो रात भर देगा अपन तो सो गया था, रात भर सोया नहीं था भाई, तो सोया ही था भाई तो नहीं क्या भाई, तो तुम लोग भाग रहे दौड़ रहे, बहुत बेकार थक गया था, मैं चल ही नहीं पा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी ना सुबह रात भर। तो 6-7 बजे उठा और अरे भाई सोया, उधर नहीं सोया था, इधर थोड़ा मतलब गार्डन में, उधर लोग उधर सुलाए थे, मतलब यहाँ सुती दो। तो पता चला 1.5 बजे नहीं भाई, 1% नहीं पता था, मेरे को लगा रात है, सब मतलब मरीज वरीज लाते नहीं क्या, सब इधर उधर सोए थे, वो 4-5 जनते पड़े भाई। जो फिर सबसे बड़ा डर ये लगा उधर, मतलब एक क्या मतलब सब डेड बॉडी है, तो अगला क्या बोलता है, इधर आते जिंदा है, जिंदा जाते नहीं, और देखो एडमिट किए। अबे भैया और डर गया, मालूम है सही बोल रहे हो, सही बोल रहा था भाई, ऐसा बोल रहा था। ये मेरे बाजू वाले बेड पे सुन, मेरा किस्सा बता रहा हूँ, मैं जैसे वो बेड मिला ना, मेरे बाजू वाला भाई एकदम मस्त मराठी में हाल चाल लिया, बातचीत किया नहीं क्या, बोला हाँ बोला कितना देर हुआ, बोलता है भाई 2 दिन हुआ है। जैसे देखा ना धीरे धीरे उसकी मेमोरी लॉस होती जा रही है क्या बाद में, जो बकले बड़बड़ करने लगा, एक दिन से बात किया एक दिन, और दूसरे तीसरे दिन बड़बड़ करने लगा अगले, उसके औरत भाई क्या हुआ, बोलते देखो ऐसी हो रहा है, बोला है तो आदमी बीमार हो रहा है धीरे धीरे, इसकी माँ को लगा नहीं क्या, पहले दिन लगा एकदम टकाटक, ठीक है इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। अरे भाई वो जो बाजू में लेट के पुक्का उड़ा रहा अरे भाई बुड्ढा मजा ले रहा था, हालांकि खेल रहा था। अरे वो हाँ भाई ऑपरेशन उधर नहीं कि उधर ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में जाके उधर पे ऑपरेशन करे, ऐसा नहीं, बाजू में लेट रहे, चारों तरफ बाउंड्री लगा रहे, सीधा चीड़ फाड़ वही चालू नहीं है बाजू वाले को भाई से बात करते करते उसका काम बढ़ा दिया, काम ही बारी कर लिए। लेडीज भाव ही नहीं दे रही है, वो लेडीज भगा रही है। अबे जितने पेशेंट है वैसे भी डॉक्टर को भेजा, आप तो फिर भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जा रहे तो इतना समझ में लेके चलेगा तो बहन जो यहाँ वहाँ दौड़ाते केम में मर जाएगा, इधर से लेके जाओ उधर लेके जाओ, उतने में ही मर जाएगा पेशेंट। अपन ठीक है अपने को इतना रात भर दौड़ा दिए, पूरी रात दौड़े। एक बात बोलूंगा भाई, कैंप में मुझे कुछ 1 रुपए का इलाज नहीं मिला, नहीं गया 1 रुपए का, ऐसा नहीं लगा वहाँ जाके लोग कुछ भला नहीं। लेकिन भाई हॉस्पिटल है वो कैसा मालूम है तेरा, देख भाई माइंड दिमाग का ऐसा रहता है ना, खोल डायरेक्ट नहीं, तू बोल दिया लगा है गहरा लगा है, खोल दो ठीक करो टाका मारो, ऐसा नहीं रहता भाई। देख लोग 2 दिन देखो ऑब्जर्व कर रहे थे उन लोग, कि मतलब इसमें कुछ चेंजेस आते क्या, तू मस्त खेल रहा है, बॉटल पकड़ के चल रहा है, उधर एक्टिंग कितनी हार्ड एडमिट कर देता है। कभी बहन जो पता चला मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे बहन जो बंदा करके स्कूल में क्या बोला इमरजेंसी में एडमिट करना, उधर वो थोड़ी इंदिरा में अपन वो बुक किए क्या एम्बुलेंस, तो क्या इमरजेंसी लोग को लेके जाते ना फ्री में, वो बुक किया हम लोग। और भाई वो आएगा तो देखेगा भाई बढ़ रहे चल रहे मस्त बिकी उधर पे एक्टिंग जैसी आया भाई इसको बोलते हम लोग समझा दे ऐसे ऐसा मतलब लेट जाना थोड़ा नाटक विटक करना ये भाई दम नहीं जा लेके चलो बहुत चक्कर आ रही अब फिर उधर पे कायम में अबे भाई बोला बस करो और हो गया भाई बोला शूट कर रहे तो लोग मन करता मेरा भी आगे उधर ब्लॉग ब्लॉग शूट करो। कैसा बड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है इधर मुंबई में शॉर्टेज है। एक पार्किंग बनाने का सोच रहा हूँ मुझे। गेटवे में भी एक घंटा पार्किंग का 200 रुपये लेता है। क्या मजाक कर रहा भैया? क्या हुआ पार्किंग का? तो ड्राइवर भाई तो गाड़ी में बैठे रहना गाड़ी घुमाते हुए घंटे दिन का 200 समझ में आता घंटे का 200। 1815 में बनाया गया चर्च है ये सन 1815 में। 15 एक मिनट तो मैं हगी जाऊँ जल्दी निकाला चलेगा क्या? पबजी वाला क्या? ये तो पबजी वाला है मोदी जी। झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। ये वही पबजी वाला है क्या? यहाँ पे ना भैया यहाँ छुप के रहते पुलिस वाले। अरे नहीं क्या है ना जब ये सिग्नल खुलता है ना सीधा जाने का तो कैसा कंफ्यूज हो जाती है पब्लिक नहीं जो आती है उनको क्या लगता है लेफ्ट का भी चालू रहेगा पर लेफ्ट का बाद में खुलता है थोड़े टाइम बाद। हाँ ये लोग सब पढ़ लेते है। गेटवे बहुत जगह लग रहा है 100 से ज्यादा। अभी गेटवे दिखा देता हूँ तुमको 100 से पार्किंग ताज हो गया ताज आ गया। अभी उसके गेट पे लूंगा ना तो ऐसा करेगा नमस्ते मैं नहीं मानता। कैसा कैसा हो फिर से एक बार? अरे चल वाले अंदर अंदर आगे कटो ऐसा। एयरपोर्ट के बाजू में JW मेरियट होटल है उसमें भी जब भी आऊंगा ना जितने बार भी आएगा सामने खड़ा नमस्ते। अरे मैं बोला भाई तेरे से कम कमाता हूं मैं। नमस्ते हम तुमको नहीं समझते। नहीं पार्किंग करना पड़ेगा कहीं। इसका भी चार्जेस देना पड़ता है क्या भैया? तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए गेटवे। नौशाद भाई 10 बचा है देख लो मत बना पॉपी। हाँ बैग किधर? बैग 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 में वॉलेट निकाल। ऑनलाइन नहीं क्या भाई? ऑनलाइन गाइस देख सकते हो हम गेटवे आ चुके हैं। डुबकी मारते क्या भैया इधर? हाँ भाई अपने भाई की ख्वाहिश थी भाई को फॉरेनर के साथ एक सेल्फी लेनी थी लेकिन फॉरेनर रुकी नहीं। फॉरेनर में मिली नहीं और मिल भी है तो रुक रही नहीं है। सेल्फी खिंचाने के लिए कोई रेडी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो दुनिया गरम हमारा भाई। पहले नीचे तो बैठ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये पत्थर जब 26/11 का बम ब्लास्ट हुआ था तो ये पत्थर ऐसा टूटा था सब। अच्छा ये बना है क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अरे यार मिस्टेक हो, गलती से मिस्टेक हो गया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम जा रहे इधर एकनाथ शिंदे के घर पे, जो अभी के उप मुख्यमंत्री है। ऐसे अरे पीछे हो गया क्या नाम था उसका बीच का? कौन सा? सब बंगला है। पीछे तो बीच गया अभी मरीन ड्राइव गया। ये देखिए बोरी लोग, ये बोरी लोग, ये बोरी है, ये बोरी है, ये बोरी है। बोरी लोग पुलिस अलग सब अलग, क्या सिस्टम है? पुलिस अलग नहीं है तो ट्रैफिक हो भाई। इतने पैसे वाले होते ना ये, अंबानी को टक्कर दिए ऐसे एक एक लोग नहीं। इनका जो मेन सरबरा रहता है ना भारी लोग, दुबई से कनेक्शन है भाई ये लोग का। अच्छा मतलब वहाँ प्रॉपर्टी वगैरह है ऐसा बोल सकते? यहाँ पे ये लोग यहाँ पे खाली मोहम्मद अली रोड का नाम ना भाई बोरी रोड रखना चाहते थे। हाँ तो फिर उसके लिए कितना करोड़ रुपया सरकार को दे रहे थे लेकिन नहीं हुआ। खाली वहाँ पे वो टावर बना दिए। देखिए एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे का घर आ गया गाइस, गया आया और गया। लेकिन उसके लिए लोग सरकार के पैसे देने की जरूरत क्या? योगी जी को बोलते तो वो इसे चेंज कर देते थे। नहीं मुसलमान भी नहीं रखने दे ना। तो मोहम्मद अली रोड का नाम मोहम्मद अली। हाँ भाईजान। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम पहुंच गए जूता घर, गेट नंबर 4। ये क्या है? कमला नेहरू पार्क का नाम ये है भाई। एक्चुअली इधर से एंट्री है भाई और क्या। चलो जाना, फोटो निकालो उसका भाई। कब बांटेंगे? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। इधर आम दावत है लोगों की। ये जूता घर का मेन जूता घर दिखा तो आपको जूता कितना बड़ा है। गाइस देख सकते हैं आप ये जूता इतना बड़ा। ये जूता अपने जूते से काफी बड़ा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जूता सामने से कुछ ऐसा दिखता है गाइस। क्या हुआ ना सर भाई, जूते के तो फीते तक भी नहीं आ रहा है। और जूता गाइस ये लेफ्ट साइड से ऐसा दिखता है, काफी बड़ा जूता है। ये है नाना नानी पार्क, अबे सॉरी जूता घर, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। मैं इसके सोल के बराबर भी नहीं हूँ। आओ भाई सामने आओ, हम आ गए अभी जूता घर। ये है जूता घर भाई। गाइस लोग को जूता दिखाओ तो गाइस देख सकते हो आप कितना बड़ा जूता है। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये जूता घर की खास बात ये है कि गाइस इधर आने के बाद क्लाइमेट है ना इतना अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश। गर्मी इतनी धूप में भी ना एकदम ठंडा मौसम हुआ है, नहीं क्या? एक नंबर मजा आ रही है। चलो बस आगे दिखाता हूँ आपको। माइक ले लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये जूता घर मुंबई में दो गरीब इंडियन घूम रहे हैं, दो गरीब लोग। हाय गाइस। हाय गाइस। कोई इज्जत नहीं हमारी, कोई फोटो ही नहीं निकालना चाहिए। ऐसा हो जाएगा गाइस लोग हमसे सेल्फी मांगेंगे। आज हम मांग रहे हैं, कुछ देना नहीं है, कल हम सबको देंगे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह फॉरेनर से पिक मांग रहे तो फॉरेनर बोलते नो, अरे चीनी बोलते चीनी चीनी चाओ चाओ। समझा नहीं अलग बात है, तो चीज समझी नहीं तो बुरी इतनी लगी नहीं। ये कहाँ गए भाई अपन? यहाँ गए आपको नाना नानी पार्क में। नाना अपनी नानी पार्क में गाइस आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस इधर आओ गाइस। नाना नानी पार्क में नाना नानी को लेकर उधर बैठे रहते थे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। ये वो जगह है, इसलिए जगह का नाम नाना नानी पार्क पड़ गया। बस बस दिख गया गाइस। अब ये है, चलो गाइस लोग नाना नानी पार्क घूम के अभी आगे और जगह दिखाते हैं आपको। इससे मांगूंगा हाँ भाई जा तू बोल। चल बैठ बैठ ऐसा अंदर बैठते हाँ ये अच्छी जगह नहीं है। तू ड्राइवर है, जहाँ बोल रहे हो वहाँ लेके चल। मत देख के तो गाइस आपको दिखाते हैं हम अंटिलिया, मुकेश अंबानी का झुपड़ा घर नहीं घर। हाँ झुपड़ा लोगों को घर होता है। गाइस आप देख सकते हो जैसे अंटिलिया आ चुका है। ये अंटिलिया मुकेश अंबानी मुकेश भाई मुकेश भाई हाथ दे रहे हो आगे से देख ले। गाइस मैं आपको उतर के दिखाता हूँ गाइस। उतरो उतरो ऐसी मत कर भाई। हाँ भाई देखो गाइस हम आ चुके हैं। क्या अंधेरी ना अंदर ईस्ट वेस्ट कुछ तो है। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। क्या कर रहा है क्या कर रहा है? ये आ गया अंटिलिया। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये रोड है, यहाँ से ये रोड गया है, ये हमारी कार और ये अंटिलिया, उसके पीछे है लोड़ा। मुकेश भाई लग रहा खड़े है। तो ये है मुकेश अंबानी का घर, जो वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव घर में से एक है। वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव घर में से एक है, बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, देख सकते हो आप। पूरी दुनिया में बाहर से ऐसा दिख रहा है भाईजान, अंदर से ना इसका इंटीरियर बोलेंगे ना एक नंबर है। वो टेढ़ा वाला बनाया पिलर देखे वहाँ से तूने। अरे भैया ये कैसा मालूम है, ये कितना हाँ टेढ़ा है वो। ये आंधी तूफान बोलते हैं ना, जो बाढ़ बीड़ कुछ भी आ जाए इधर नहीं हिलेगा। इटालियन घर तक है इटालियन। अबे तो छोटा छोटा पिलर बनाया है, बोलता कैसे नहीं गिरेगा भाई। कितने कमजोर है। अरे भाई यहाँ से कमजोर दिख रहे तेरे को। कितना माला तो खाली पार्किंग है उसका, 6 माला पार्किंग, खाली गाड़ी खड़ी रहती है। अभी आप गेटवे घूम चुके, मरीन लाइन घूम चुके, जूता घर घूम चुके, अंबानी के घर पे जा चुके। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? हाजी अली। हाजी अली जाएंगे, उसके बाद जाएंगे गाइस सलमान खान, शाहरुख खान भाई लोग का कॉल आया था अभी, उनसे मिलना है, उनके बाद भी जाना है। उन लोग बहुत फोर्स किया, बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे से, तो उनको मिलना पड़ेगा। थोड़ा अपना कीमती समय निकाल के मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। हेलो, हाँ शाहरुख भाई घर के सामने खड़ा था, मैं बात में नहीं करी, मैं बात में रुकी बहुत। खाना ही ना दे रहा था, खाना ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, सलमान भाई का भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था, अभी गैलेक्सी अपार्टमेंट में है वो। बोले अगर 10-15 मिनट में अगर हम लोग गए तो मिल लेंगे। सामने दिखेगा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा अपना कुछ अंटीला, अंटीला नहीं ज़ूम करना पड़ेगा, बोल अभी दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से अंटीला, जहाँ अभी अपन जाके आ चुके हैं। अभी चलते हाजी अली, चारों साइड घुमा के दिखा। कैमरा मैन नौशाद के साथ कर रहे हैं इधर ब्रिज का काम चालू है अंडर वाटर, तो ये ब्रिज डायरेक्ट दुबई से कनेक्ट करेगी इंडिया को, इसका काम चालू है बहुत जोरों शोरों से। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट आत्मा। चलो नहीं, ये नौशाद है हमारे कैमरामैन। जूम बहुत ज़्यादा करके रखा भाई। एंटीलिया मुकेश अंबानी का घर। ये पहुंच गया हम हाजी अली दरगाह। अब यहाँ से इसका नज़ारा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है गाइस। लेकिन गर्मी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा है क्या? दरगाह के बारे में कहावत है, कौन सी पता है देखो? जब तक है मुंबई में हाजी अली उखाड़ेगा अब्बास अली। नहीं क्या उखाड़ेगा अब्बास अली? नहीं, ये दरगाह बना उसके ऊपर पीछे क्या स्टोरी देखो, पता है क्या? वो नवीद को पता है क्या? थोड़ी बहुत ये पूरा देख सकते हो, ये पूरा एरिया है ना हाजी अली का गाइस, ये सब भर जाता है। ऐसा करिश्मा है बाबा का, लेकिन ये दरगे के अंदर कभी पानी नहीं आया। टच हो गया है, मतलब दरगे में नहीं टच हुआ है, मजार के आजू बाजू तक पूरा भर गया, लेकिन दरगे के अंदर आज तक पानी नहीं घुसा। ये पूरा पूरा A to Z भर जाता है, देख सकते हो। तो फाइनली गाइस, इतनी धूप में कड़ी मेहनत करते हुए चलते चलते हम पहुँच गए हाजी अली दरगाह। वहाँ से नहीं आएगा, पीछे आना पड़ेगा। पहला देखो भाई, आराम से उतर, पहला देखो बाद में दरगाह का लेंगे ना। 30 रुपए 2 मिनट रिटर्न आ चेहरा उतना साथ नहीं है, और 1 घंटा 3-4 दिन से तो उधर भी आएगी ना, तो भी नहीं आ रही सर। ये कैसी ले छप गाइस आप देख सकते हो कि इधर हमको नहायत ही कीमती चीज मिली है समुद्र में। ये हिमालय में ऐसा पत्थर मिलता है जो हमको इधर हाजी अली दरगाह में मिला है। ये हमारे अरमान भाई में ढूंढ के निकाला है, देख सकते हो आप। इधर के पत्थर कुछ ऐसे है, उसकी कीमत करोड़ों में है, 2000 करोड़। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा है, बाहर पकड़ लेंगे लोग। बचन देगा भगवान, मेरा सबर छुटा जा रहा है, निकाल। एक मिनट, गाइस हम आ गए सलमान खान के घर। ये वाला अपार्टमेंट है क्या? चलो फिर अभी क्या, इसमें रिकॉर्ड होगा ना भाई, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारे इधर घर पे, तो उधर पे किसी तरह सलमान भाई को पता चल गया हम इधर आए। तो क्या हो गया कि हमारे सलमान भाई थोड़ा नाराज हो गए, तभी गए, ऐसा नहीं है, सलमान भाई के घर पे भी गए, घर के नीचे खड़े रहे, सलमान भाई बड़ी नाराजगी दे रहे। सलमान भाई इतने नाराज हुए कि घर के गेट पे आए नहीं, तो हम भी गाड़ी में अपनी कार में, आलीशान कार में, जिसका ये ड्राइवर है, देख सकते हो आप। तो हम अपने आलीशान कार में ऐसा निकल के जा रहे हैं अभी चौपाटी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। देखते हैं अमिताभ बच्चन का दिमाग कैसा चल रहा है, कैसा नहीं। अगर अमिताभ बच्चन का मूड सही रहा तो अमिताभ बच्चन साहब हमसे मिले बिगड़ जाएंगे नहीं, दक्षिणा तो हम लिए बिगड़ जाएंगे नहीं, हम भी दक्षिणा लेंगे भाई, गरीब बन के चल जाएगा अमिताभ बच्चन के पास, ठीक है सर। तो गाइस फाइनली हम चौपाटी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं चौपाटी। और इधर महंगाई आसमान छू रही है, मतलब छू रही है। हमने भी एक गोला खाया है, सॉरी 3 गोला खाया है 3 जन ने, और एक गोली की कीमत है 50 रुपये। इतनी रकम में तो 50 रुपये में हमारे इधर 5 गोले आते थे, और 150 रुपये में 15 गोले। जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप। मोदी जी से बात करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब घूमने फिरने आए तो पैसा क्या देखना है। ये बात आपको गाइस मैं पब्लिक दिखा तो इधर कितनी पब्लिक है। इधर से कार आया आया भाई, आया भाई, आया तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो गाइस पूरा मुंबई घूमने के बाद हमको ना सलमान खान मिला ना शाहरुख खान मिला, फाइनली लास्ट में अमित जी मिल गए। अगर आपको भी अमित जी के दर्शन चाहिए तो संडे शाम में 6 बजे अमित जी बंगले के सामने 1 से 2 मिनट के लिए आते हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम गाइस किसी रियल हीरो को ऐसा लाइव सामने पहली बार देख रहा हो, तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। तो चलो गाइस वीडियो को इधर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन।